हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बस का टिकट आप कैसे बुक करें बिल्कुल आसानी से, क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है अपने इंडिया में। तो फेस्टिवल के टाइम पे होता क्या है कि अगर हमें अपने होम टाउन जाना हो, ज़्यादातर आज के डेट में जो है आपको 90% लोग जो है होम टाउन से बाहर आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में आज के डेट में अभी 60-70% लोग जो है अपना होम टाउन छोड़ करके दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। मगर जब फेस्टिवल वगैरह आता है तो सब चाहते हैं कि अपने घर जाकर हम त्यौहार मनाएं अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। लेकिन फेस्टिवल के टाइम में इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि अपने ट्रेनों में टिकट मिलता नहीं है, या चाहे तत्काल बुकिंग कर लें चाहे नॉर्मल बुकिंग कर लें, टिकट नहीं मिल पाता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, हम जर्नी कैसे करें, इतना लंबा सफ़र है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा बस से भी आप सफ़र कर सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना हो। आपको होम टाउन दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं, दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना हो, चाहे बिहार जाना हो, चाहे बंगाल जाना हो, किसी भी स्टेट में अगर आपको जाना हो, तो बस से भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो बस की टिकट आप कैसे बुक करेंगे आज, इसके लिए सारे बस का टिकट आप कैसे बुक करेंगे आज ये वीडियो में आपको मैं सारा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सबसे ईजी जो प्रोसेस है आपको बस का टिकट बुक करने का, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी अपने मोबाइल में फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखा है, फ़ोन पे चला रहा है, सभी आदमी के मोबाइल में आपको फ़ोन पे मिल जाएगा। तो फ़ोन पे से आप बस का टिकट कैसे बुक करेंगे, मैं आज आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में फ़ोन पे इंस्टॉल तो आपके हो गई, क्योंकि आज की डेट में जो 90% लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, हर किसी के फ़ोन में फ़ोन पे ऐप है डाउनलोड। तो चलते हैं, हम फ़ोन पे इंस्टॉल करने के बाद में अपना फ़ोन पे ओपन करते हैं। तो जैसे आप फ़ोन पे अपना ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल करके आ जाएगा फ़ोन पे का। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन पे का जो है होम पेज खुल करके आ गया है। जैसे ही फ़ोन पे का ये होम पेज खुल करके आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाने के बाद में यहाँ देखिए आपको ये आ रहा है स्विच। स्विच में देखिए यहाँ पे IRCTC है, KYC है, रेड बस है, KFC है, रेड बस है, मिंत्रा है। इसमें से देखिए ये रेड बस आ रहा है, रेड बस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रेड बस पे क्लिक करेंगे, ये आपको रेड बस के होम पेज पे ले जाएगा। तो रेड बस के होम पेज पे ले जाने के बाद में आपको, अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, इट माइट टेक मोर देन 20 सेकेंड ड्यू टू पुअर नेटवर्क। फ्रेंड्स, और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाईफाई सही नहीं आ रहा है नेटवर्क, इसलिए 20 सेकेंड का टाइम मांग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका होम पेज खुल गया है ये रेड बस का। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मान चलिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, अब ये आप कहीं भी हों, आपको जहाँ से ट्रैवल करना है तो आप यहाँ पे ऊपर में फॉर्म में आप डाल देंगे जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बस की बुकिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ, मुझे दिल्ली से ट्रैवल करना है। और टू में आपको जहाँ के लिए आपका डेस्टिनेशन है, आपको जहाँ तक जाना है, आप वहाँ का स्टेशन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर लखनऊ डाल देता हूँ, दिल्ली से लखनऊ मैंने डाल दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके नीचे जर्नी डेट लिखा हुआ आ रहा है, जर्नी डेट पे जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा, आपको कौन से डेट में ट्रैवल करना है, आप वो यहाँ से डेट सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज ये 14 तारीख है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रखा है। उसके आगे का डेट आपको जो सा भी चाहिए आप वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 20 तारीख सेलेक्ट कर लिया है, 20 अक्टूबर। उसके बाद आपको नीचे सर्च बसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको दिल्ली से लखनऊ के लिए 20 अक्टूबर में जितनी भी बसें हैं दिल्ली के, कितने जो भी स्टॉपेज है, जहाँ जहाँ ये बस का डेस्टिनेशन है, वहाँ से आपको सारा बस दिखाई देगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आ रहा है UPSRTC बसेज है, बिहार स्टेट की बसेज है, रोडवेज, इंटरसिटी स्मार्ट बस है। फिर नीचे आप और करेंगे तो गोला बस सर्विस है, फौजी ट्रेवल्स है, इंटरसिटी स्मार्ट बस है, गोला बस सर्विस है, जितनी भी कंपनी है, मेहर टूर एंड ट्रेवल्स है, जितने भी बसें हैं आपको दिल्ली से लखनऊ के लिए सारे बस। और प्लस साइड में आपको, आपके राइट साइड में उसका फेयर दिखा रहा है, कौन से बस का कितना फेयर है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये गोला बस सर्विस है, 1499 रुपये इसका फेयर है, ये दिल्ली से लखनऊ के लिए। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4.5 रेटिंग है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब ये हमने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब ये हमें शो कर रहा है कि आपको जो है दिल्ली से रात में 9:40 की बस है, लखनऊ सुबह 5 बजे छोड़ेगी आपको, ये 20 अक्टूबर वेडनेसडे है। उसके बाद आपको लोअर में सीट बुक करना है या अपर बर्थ चाहिए आपको। अगर लोअर चाहिए तो लोअर में देख लीजिए, यहाँ पे सारा शो कर रहा है सीट, जिसमें सीटिंग जो है। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें जो भी ब्लैक से आपको दिख रहा है, ब्लैक मार्क हो रखा है, वो सीट रिजर्व हो रखा है, वो बुक नहीं होगा आपका। और जो भी ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आप, वो सारा बुक कर सकते हैं। जैसे कि हम नीचे दिख रहे हैं, नीचे मेंशन कर रखा है
ऑरेंज कलर में फीमेल है, ब्लू में मेल है, सेलेक्टेड में जो है ग्रीन है, सेलेक्टेड जो ग्रीन कलर का जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिजर्व में जो ब्लैक कलर का हो रखा है वो रिजर्व है, और येलो में ब्लॉक फॉर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ब्लॉक कर रखा है। तो अभी तो फ्रेंड्स अब सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो चुका है क्योंकि कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है इंडिया में। तो आपको इसमें से जो भी ग्रीन दिखा रहा है, आपको इसमें से जो सभी सीट आपको चूज़ करना है आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। लोअर बर्थ में चाहिए अगर स्लीपर में तो लोअर कर सकते हैं, अपर में चाहिए तो आप अपर में कर सकते हैं। तो अभी हमने लोअर सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद अगर हमें अपर में चाहिए तो अपर पर क्लिक कर देंगे। अपर में 13 सीट है, 13 सीट में जो है ये देख लीजिए, अपर में जो भी ग्रीन कलर से है ये सब आपका खाली है, इसमें सब कोई सा भी रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप रिजर्व करेंगे ये इस तरह से आपका बंद करके आ जाएगा। तो मान चलिए मैंने ये है अपर में मैंने ये सीट सेलेक्ट कर लिया ऊपर का, अभी आ रहा है वन सीट अपर बर्थ का जो है 1999 रुपये फेयर है इसका, ये हमने सेलेक्ट कर लिया सीट। उसके बाद फिर सेलेक्ट बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखिए ये बस जो है 9 बजे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से चलेगी और 9:40 में मयूर विहार एक्सटेंशन चिल्ला बॉर्डर है गौतम बुद्ध गेट के पास से ये चलेगी। यहाँ से आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह जो आपके घर से नज़दीक हो बोर्डिंग स्टेशन, आप वहाँ से ये बस को में बोर्डिंग कर सकते हैं आप। अगर आपको कश्मीरी गेट नज़दीक पड़ता है तो वहाँ से ले सकते हैं, 9 बजे बस वहाँ से चलेगी। अगर 9:40 में अगर मयूर विहार से आप लेना चाहते हैं तो मयूर विहार से आप बोर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको ड्रॉपिंग पॉइंट में दिखा रहा है 5:00 ये निहारिया सर्कल है आलमबाग लखनऊ का, वहाँ पहुँचेगी। अब 5:20 पे जिसका लास्ट स्टॉपेज है गोमती नगर लखनऊ अल्फा टावर, वहाँ छोड़ेगी आपको ये। तो हम 9 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं कश्मीरी गेट का। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको और यहाँ पे आप ड्रॉपिंग में आप डाल दीजिए गोमती नगर का, ये हमने डाल दिया। हमें यहाँ बोर्डिंग पॉइंट करना है कश्मीरी गेट से और ड्रॉपिंग पॉइंट है मेरा गोमती नगर लखनऊ का। इसके बाद फिल पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना मेल आईडी डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा मेल आईडी आ गया, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको नीचे डालना क्या है, पैसेंजर डिटेल जो आपका नाम है जो ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो मैं अपना यहाँ नाम डाल देता हूँ, मैंने अपना नाम डाल दिया फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपना एज डाल देंगे आप। एज डालने के बाद में आपको यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस पे एस कर देंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास में रेड बस का वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रेड बस वॉलेट पे चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप इसे यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू बुकिंग करेंगे ये आपका जो है पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आपको इस पेज पे आ गए फ़ोन पे के पेमेंट वाले पेज पे। आपको अब यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखा रहा है रेड बस की तरफ से, सोर्स स्टेशन आपका दिल्ली है, डेस्टिनेशन लखनऊ है, डेट ऑफ जर्नी आपका 20 अक्टूबर 2021 है, ट्रेवल नेम है जो बस की सर्विस है गोला बस सर्विस है, बस टाइप आपने एसी सीटर स्लीपर आपने 2.1 जो है क्लिक किया है, ये 2098 रुपये इसका चार्ज है। अब आप इसे पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, पेमेंट का टाइम दिखा रहा है 6:30 के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अब इसमें देखिए UPI का ऑप्शन है, नेक्स्ट आप जाएंगे तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है सारा, इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से या फिर UPI से। तो सबसे इजी रहेगा मैं आपको बताऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपना UPI से करूँगा। जैसे हमारे बैंक अकाउंट सेलेक्ट है, इसमें 3 बैंक अकाउंट है मेरा। अब आपको जो से भी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पर क्लिक करना है। आपको पे पर क्लिक करने के बाद में आपका जो भी UPI पिन नंबर है आप यहाँ पे UPI पिन नंबर अपना डाल देंगे, डालने के बाद में आप इसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स मुझे सिर्फ ये वीडियो आपको दिखाने के लिए करना था, इसलिए जो है मैंने जो है पेमेंट नहीं किया, मैंने UPI पिन अपना गलत डाल दिया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि रॉन्ग UPI पिन इंटर्ड, इसलिए गलत बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये था छोटी सी जानकारी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।